दोस्तों, अगर आप लोग Redmi 6 और 6A की डिवाइस यूज करते हैं तो Redmi 6A की डिवाइस में करीबन 3-4 दिन पहले ही हमें MIUI 10 की ग्लोबल स्टेबल 10.4.3.0 की अपडेट देखने को मिल गई थी, जिसमें हमें Android Pie की अपडेट देखने को मिलती थी। इससे पहले दोस्तों हमें 10.4 की सीरीज में ही Android Pie की अपडेट Redmi 6 और 6A की डिवाइस में देखने को मिल गई थी, लेकिन कुछ बग होने की वजह से, रैंडम रिपोर्ट वगैरह होने की वजह से 10.4 की सीरीज को रिमूव कर दिया गया था, जिसमें हमें पाई की सीरीज देखने को मिल गई थी। लेकिन दोस्तों फाइनली अब Redmi 6 और Redmi 6A दोनों डिवाइस के लिए हमें Android Pie की अपडेट देखने को मिल गई है 10.4.3 की सीरीज में। लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, कैसे आप लोगों को अपने फोन में अपडेट करना है। अगर आपके फोन में अपडेट देखने को नहीं मिलती तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को सिस्टम अपडेट जाकर चेक फॉर अपडेट करना है। अपडेट करेंगे यहाँ पर तो आपके फोन में यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाएगी, और अगर आपके फोन में यहाँ पर अपडेट देखने को नहीं मिलती दोस्तों तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर लिंक डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर 3 डॉट देखने को मिलती है, उस पर क्लिक करके आप लोग अपने फोन को मैन्युअली अपडेट कर देंगे। सब्सक्राइब कीजिए ओनीटॉक चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को दबा कर पाइए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। याद है दोस्तों, मैन्युअली अपडेट करने से आपकी डाटा लॉस नहीं होगी और ना ही आपके फोन में OTA अपडेट को रोका जाएगा। मैन्युअली अपडेट करने के बाद दोस्तों आपके फोन में जब नेक्स्ट अपडेट आएगी तो आपको अपडेट में अपडेट देखने को मिलेगी, और मैनुअली अपडेट करने के बाद दोस्तों आपकी डाटा भी इरेज नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप लोग अपने डाटा का बैकअप बना कर रख रहे हैं, क्योंकि सेफ्टी इज नंबर वन प्रायोरिटी। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमें काफी सारे नए चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है, काफी चेंजेस देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पर एंड्रॉइड पाई MIUI बेस्ड यहाँ पर अपडेट देखने को मिल जाती है। जो लोग ऑलरेडी एंड्रॉइड पाई पे हैं तो उनको तो पाई की अपडेट देखने को मिलेगी, जैसा कि मैं भी पाई पे हूँ तो मुझे तो पाई की अपडेट देखने को मिलेगी। जो लोग ऑलरेडी पाई का अपडेट कर चुके थे उनके फोन में ऑलरेडी पाई था, लेकिन जो लोग पाई की वेट कर रहे थे उनके फोन में एक और ओरियो की अपडेट देखने को मिली थी। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर पाई की अपडेट देखने को मिली। इसके अलावा दोस्तों हमें सिस्टम में यहाँ पर सेप्टेम्बर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाती है, जबकि अब सभी डिवाइसेज में सेप्टेम्बर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रही है। सेप्टेम्बर के मंथ में सेप्टेम्बर की सिक्योरिटी पैच देख सकते दोस्तों, यहाँ पर 16 तारीख है और 16 तारीख को ही हमें सेप्टेम्बर के मंथ में सेप्टेम्बर की सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाएगी, तो काफी अच्छी बात है। Xiaomi वाले काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इसका दोस्तों ऐप लॉक में हमें फेस ऐप लॉक की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, गूगल कॉन्टैक्ट की सपोर्ट देखने को मिल जाती है, लॉक स्क्रीन दोस्तों में काफी सारे ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है, फिक्सेस देखने को मिल जाती है, और दोस्तों गेम बूस्टर में हमें काफी सारे चीजें देखने को मिलती है। तो सभी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बाद में, एक बार हम लोग अपने फोन को अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद दोस्तों फिर हम लोग डिटेल्स के साथ बात करेंगे Redmi 6 और 6A दोनों के डिवाइस में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो Redmi 6 और 6A की डिवाइस यूज करते हैं या फिर Redmi की Xiaomi की कोई सी डिवाइस यूज करते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आप लोग यहाँ पर Redmi और Xiaomi के MIUI के रिगार्डिंग सब कुछ देखने को मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बिल को दबाना, वरना आप लोग ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स की न्यूज को मिस करते रहेंगे। नोटिफिकेशन को मिस करेंगे तो आप लोग अपने फोन को अपडेट नहीं कर पाएंगे।